नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह कैंतुरा, जिसे आप द इंडियन बंजारा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद ख़ास जगह ले जा रहा हूँ। ये जगह है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की हवेली। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वे पारसी और उर्दू के महान शायरों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की जो हवेली है वो चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके के कासिम जान गली में स्थित है। कुछ साल पहले तक वहाँ के लोकल लोगों ने इस हवेली को अपना आशियाना बना रखा था। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इस हवेली को अपने कंट्रोल में लेते हुए इस हवेली को मिर्ज़ा गालिब को समर्पित एक म्यूज़ियम बनाया है। तो आज मैं आपको इसी म्यूज़ियम में ले जा रहा हूँ, आइए चल के देखते हैं। धन्यवाद। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का, सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उनको देख के चेहरे पे जो आ जाती है रौनक, उनको देख के चेहरे पे आ जाती है जो रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। फर्क जीने और मरने का। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असादुल्लाह खान। मिर्ज़ा गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर। इन्हें उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इन्हें फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें तबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब मिला है। गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। कहीं ऐसा ना हो यूं ही वही काफिर सनम। मिर्ज़ा गालिब का विवाह 13 वर्ष की आयु में नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया। विवाह के बाद वो दिल्ली आ गए थे, जहां उनकी तमाम उम्र में दरवाजा गालिब और कहां वाइज़
अपनी पेंशन के सिलसिले में उन्हें कोलकाता की लंबी यात्रा भी करनी पड़ती थी, जिसका जिक्र उनकी गजलों में जगह जगह पर था। 15 फरवरी 1859 को 71 वर्ष की आयु में मिर्जा गालिब का अपनी इसी हवेली में निधन हुआ। उर्दू लिटरेचर के महान ज्ञाता प्रोफेसर रॉल्फ गजल ने एक बार कहा था, यदि गालिब अंग्रेजी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते।